हसन मुझसे है, मैं हसन से हूँ, ये नहीं कहा। जिसकी लाश हमारे पे थी पड़े और वो हुसैन के इतने करीब न जाए कि रसूल तक जाए, वो तो उसको हाथ पे बुलंद करके ये देख लाया कि मैं ये अली है। मन को तो मौला फादा ने मेरा ये अली भी मौला है, मेरा अली नहीं है, नबी नहीं है, मेरा अली से मेरा वो रिश्ता नहीं है जो हुसैन। ये एक इम्तियाज है बोला, बारह नामों में ये इम्तियाज है कि और किसी से अपनी ये नहीं फरमाया कि मैं इससे। और वो भी उनकी हयात मुबारका के बाद, एक अरसे के बाद, जनाब इमाम हसन के लाश पे तीर चलने के बाद, वो 10 साल की तवील खामोशी, मुबारक तरीन खामोशी तारीख ने देखा कि वो अरब जो बदला लेने में माहिर, जो तमाम बदले के ये मशहूर है, वो अपने भाई की लाश पे ताड़ तीर लगते देख के और न बोले, क्या था समझ में नहीं आता कि वो अरब जो बदला लेने में नाम और सदियों तक, और यही नहीं अगर जसारत करूं तो 1400 बरस से बदला लिया जा रहा है। और इतने माहिर, और इमाम हुसैन से बदला किसने नहीं किया? जब गए हैं अगर आप तारीख उठा के देखें तो हमारे हुसैनी में मदीने का कोई भी नहीं, जिन्होंने अपनी आंखों से देखा है कि रसूल के कानों पे ये शहजादे बैठे, जिन्होंने अपने कानों से सुना है कि रसूल मुझसे अरमाए, ये क्या है? जरा से इमाम हुसैन से बात करने लगे तो लोग वही से हो जाते थे, पूछते क्या बात कर रहे हैं। ये जब मदीना खाली हुआ है तो उसमें अजीब अजीब कैफियात तारीख ने देखी। खुद जनाब इमाम हुसैन की साहबजादी, खुद उम्मुल मोमिनीन सलमा और ऐसे ही खानदान रहे थे, लेकिन पूरे मदीने ने इसका गम मनाया हो, रोकने की कोशिश की हो, मुझे नजर नहीं आता। और ये काफिला चलता रहा और ये यहाँ किसी के बकौल उसके कानों के जुई तक नहीं रही कि रसूल और रसूल दादा से मदीना खाली हो चुका, कोई नहीं था। तारीख भी देखा और ये एक अजीब तदाद नजर आ रहा है। एक तरफ बदला लेने की सारी ख्वाहिश, सारा मवाद, सारे वाकयात मौजूद, और हुसैन कहते हैं कि अगर मुझे नहीं जाने देना चाहता तो मुझे हिंदुस्तान चला जाना, ये क्या है। और ऐसे खतरे में अपने मुकद्दस तरीन शहजादियों को लेके देने, ये पूरा एक बदला हुआ नक्शा नजर आता है।
انقلاب کی خوبصورتی نظر آتی ہے. یہاں اب انقلاب وضع میں نہیں ہے. یہ انقلاب یہ ہے کہ دشمن سے کٹ کھا جائے, ہمت ٹوٹ جائے, یہی نہیں پورے پورے سدمت کے ساتھ لشکر کو کاٹتے رہے, باہر کٹاتے رہے اور ایک ایک آدمی کو بلاتے رہے جو ہے جو باوجود دوسرے گھن کے تھے وہ آئے تو پھر گئے. ابھی انہوں نے بتائے کہ ایک کو کٹ بھیجا, ایک ایک آدمی کو بلایا لشکر کو نہیں بلایا. آج یہ نام دینے والے چپ آئے, خدا کی قسم زبانیں گم کہ حسین نے لشکر کو نہیں لشکر بلایا. یہاں ایک ایک دستے کا دستہ بار بار کر رہا ہے. یہ وہ چیز تھی کہ میں حسین اور حسین ایک ایک قدم سے آپ دیکھیں یہ حسین حسین نہیں تھے, امام نہیں تھے, تیسرے امام نہیں تھے, بلکہ یہ دین تھے. یہ دین تھے نہیں کہ دین کی وہ بنیاد رکھتے ہیں جو اس سے پہلے کسی دین کی بنیاد نہیں رکھتی. یہ کیا آج قرآن ایک ایک لفظ کے پر فرد ہونے کوئی دین ہے تو بادشاہ ہے, شاہ ہے, اور ایک وقت آئے گا کہ یہ کہے گا حقا کہ بنا لائے گا. یہاں قدیر خم میں علی گلی نہیں کہا کر کے بنا لائے گا, یہ اور کسی امام کے لیے نہیں, بنا بنا یہ مذاق خیز نہیں, یہ حقیقت ہے. یہ سپنی مرتبت کی وہ ریشن وہی ہے کہ نہ رہنے پہ بھی یہ کہا کرنے کی طرح سے زبان پر چڑھی گئی یہ روائی. آج ایک ایک لفظ کے لیے جب تک یہ کوئی معمولی روائی نہیں ہے, یہ الہامی روائی ہے. ایسا ایسی پیشن گوئی ستی مرتبہ کے بعد اگر کسی نے کی ہے, میرا دعویٰ ہے کہ اگر اپنے بنا لا الہ الا اللہ دین ہے, ایک ایک جملے کو ایک ایک لفظ کو الگ کر کے ڈکشنری میں کیا ہے کیا مطلب ہے اس کے مطالب, اس میں بہت ساری تہداریاں ہیں, سمجھیں گے اور وہ دیکھیں گے کہ کون ہے کہ جو دین بھی ہے اور پیمان. امام حسین کا انتخاب دور ہے اس کو بھلا لیا, جو قریب ہے اس کو مختص کر دیا. اس کے لیے بنوات ڈوبنے آئے تھے کیونکہ ایک گزر چکا تھا اس کو ڈوبتے ڈوبتے. تو یہ اس لیے ہے کہ زیادہ جا رہا ہے اور وہاں یہ کہ جو جائے موت کی طرف جا رہا ہے, والے غنیمت کی طرف نہیں جا رہا ہے. ایک ذہن پہ انقلاب پیدا ہوا, ذہن پہ انقلاب سوچ میں ماؤنٹین کے اس میں ایک ایک کلمہ سامنے آ رہا ہے. اور یہ نہیں کہ کربلا کے داخلے میں وہ پانی اور اصحاب حسین کی تقریریں کے سامنے حتمی مرتبہ کا وہ ارشاد ہے کہ میں ایک ایک شہید اعظم سنا ہوا ہے. ایک 80 سال وہ جنگ کے لیے چلے ہیں,
अभी भी मजा है। कुछ औरों के यहाँ हुकूमत जो है तोड़ रही है कि कौन ज्यादा पैसे पे आने के लिए तैयार, पैसे का सर कलम करने के लिए तैयार है, लेकिन यहाँ ये है तो आया है तो कौन आया है अपना सर से। ये तादाद करबला के मैदान में मजा क्यों अहले बैत और करबला वाले और यजीद का कहम है एक अलग, लेकिन एक वक्त आया कि अपने आमाल का वतन कर रहे हैं कि मैं यजीद के साथ आए रहे कि हुकूमत का वास्ता अपने साथ का ये कि नहीं यदि एक तरफ खड़ा और इस अंदाज से गुजरा है मातम रखी बदवाया तो मैं अपने से समझ आ गया। मैंने आपने मेरी माँ को जो बदवाए दी हैं मैं जहन में उसका वो मैं उसको गुनाह अजीम समझ रहा हूँ तो जहन उसको वक्त गुजरता गया। ये मैदान में गया हमारे तलबे बीवी के लश्कर ये भी एक बहुत बड़ी बात पूरी शहीदों को शहीद हुए उसके बाद इमाम हुसैन है कि इमाम हुसैन बेबसी नहीं चाहते बेबसी नहीं चाहते ना है मेरे तू खुद रसूल वक्त एक एक देखे और उसके इंतखाब में भी आई है इंतखाब का आपने कभी गौर किया पहले नहीं भेजा अपने अखबार को भेजा उसमें भी इनकी प्यास की तवारत पढ़ने न आए और प्यास आ जाए अली अकबर और प्यास आ जाए लेकिन ये दीन बोला दीन है कोई वो नहीं है हुसैन दीन है और जरा उसके दिल में जो कयामत तक कायम कयामत तक कायम रहेगा। भाई ने कुछ दफ्तर खोले कुछ दफ्तर अभी तुझे समझ नहीं पाए और ये बात और मैं वो जनाबे उसके हबीब अहले बैत से वो वक्त आ पड़ा के अच्छी काल के रसूल को शहजादी कलाम कह रहे कलाम का मतलब क्या है जैनब का सलाम एक ही कदम करबला में एक एक सहाबी हुसैन के साथ जो जैनब पे सब फितरत तमाम तमाम है बात क्या है सब जैनब का नाम है जाने वाले हैं ऐसी बारीक ऐसी इस्लामी बारीकियां कायम रखना इसलिए
उसका बेहतरीन वो है कि मैं अपने दरबार में दूसरे के दरबार में और खुद यजीद ऐसे जहाँ पे यजीद है वो मुंह तोड़ रहा है जवाब नहीं है आज तक मैं वहाँ मैंने सुना है देखा है कि यजीद के दरबार में इसी वक्त में पांच आदमी निमाना में जाना घूमने के लिए रात है आज भी दिया आज भी दिया जाता है तो क्या शहजादी की आवाज एक शहजादी की आवाज ना बन तो फिर पूरे ऊपर से लेके शाम तक शहजादी के Hey, 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 hey
حسابي بياض. Yeah.
सितम हो जाके जिसे दिल न पाए के मिसाल याद करके लाश को मिली करेंगे पायमान देखना जब तुम ये मन से मेरे दुख पर करना है सकीना सब्र करना Allah'a
بول بول.